श्री साई पेट वर्ल्ड के आज की वीडियो में दोस्तों मैं गुरदीप सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक बार फिर से एक बिल्कुल नई चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। एग्जॉटिक इंग्लिश बुलडॉग, आपने सुना होगा कि हाँ जी एग्जॉटिक कलर में है। वाइट हस्की हमारे पास है, एग्जॉटिक कलर के इंग्लिश बुलडॉग भी हैं। लेकिन आज देखिए, गेस कीजिए ये क्या है। तो ये है जी लासा एप्सो, फर्स्ट टाइम एग्जॉटिक कलर, ठीक है जी, हमारे कैनल में। तो पिस्ती का बेटा है, ऑलमोस्ट ब्लैक कलर है, ऊपर लेग्स के ऊपर ब्राउन है और नीचे वाइट है, फेस के ऊपर वाइट है। फेस क्वालिटी देखिए आप इसकी, ठीक है जी। पंच फेस आज एक महीने का हो गया है, पंचकुला में इसकी बुकिंग हुई है। तो हमारे पुराने कस्टमर हैं, उन्होंने इसको बुक किया है। और बहुत 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 प्यारा मेल पपी पुत्र, तो खूबसूरती है लासा एप्सो की कि इसमें ऐसे कलर्स आते हैं। फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वाइट कलर का लासा नहीं है, ना होता है, ठीक है जी। फ़िलहाल अभी तक नहीं होते, जो होते हैं वो जैसा कि मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। ये मैं इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ कि आप फिर से कॉल करोगे कि वाइट लासा है कि नहीं है, तो इसलिए मैं पहले से जवाब दे रहा हूँ कि वाइट लासा के लिए कृपया आप मेरे को कॉल मत कीजिए। तो पिस्ती का बेटा है जी, आप देख सकते हो एक महीने का हो गया है। बोन साइज़ इसका देखिए कितना प्यारा है। और कोट अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाए हुए हैं लासा एप्सो और शिट्ज़ू का जो डिफरेंस है। तो सबसे मेजर चीज़ जो है कोट, कोट को जब आप ऐसे हाथ के बीच में लगाते हो तभी आपको पता लग जाता है कि ये लासा है कि शिट्ज़ू है। बहुत 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 प्यारी ब्रीड, मेरी सबसे प्यारी ब्रीड। मेरे को किसी ने कमेंट किया था आज ही कि उन्होंने लासा एप्सो बाय किया है, तो उनको उसका हाइजीन कैसे मेंटेन करना है और उसका मान लो और जो टिप्स हैं वो कहते हुए कि हमें प्लीज़ आप दीजिए। तो आज ये मेरे पास आया है जलंधर से, तो मैंने कहा कि ये वीडियो मैं अभी बना लूँ, बाद में कल तो चला जाएगा, फिर बाद में वीडियो ऐसे ही रह जाएगा। तो हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, लासा ऐप सो पहले तो बहुत क्लीन रहते हैं जी, अपने आप को पूरा क्लीन रखते, कोई दिक्कत नहीं आती। देखिए इनका सबसे पहले जो पॉटी प्लेस है ऑलरेडी क्लीनड होता है, कभी दिक्कत आती नहीं, ठीक है जी। शिट्ज़ू के यहाँ पे पीछे एनस एरिया में बाल ज़्यादा हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है। तो अब इसको नहलाना कैसे है, है ना, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। ये है स्लिकर, स्लिकर यूज़ कीजिए हमेशा आम ब्रश की जगह, इसको पीछे से लेके आगे की तरफ आपने लेके आना है। देखिए कोट ही इतना सिल्की होता ना इनका, बस क्या ही बोलूँ मैं, मेरा तो बस बेस्ट है, मेरे को तो लासा बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये है जी, इसको पीछे से आगे की तरफ आपने लेके आना है और ये बिल्कुल फ्रेश फील करते हैं। अभी इसको ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सिर्फ आपको दिखाया है कि कैसे की जाती है, ठीक है जी। वीडियो आपको कैसा लग रहा हो, इन्फॉर्मेशन कैसी लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर दबा दीजिए। आपके सब्सक्राइब से, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज़ लाते रहे, ठीक है जी। तो ये है जी लासा एप्सो, इसको आपने महीने में एक बार नहला लो, महीने में दो बार नहला लो। शैम्पूज़ अब हमारे पास है, एक्सेसरीज सारी की सारी हमारे पास है। ओ माई डॉग इसका स्पेशल जो है शैम्पू, वो लॉन्ग हेयर डॉग्स के लिए वो है। और अमेज़न पे भी हम अब आ गए हैं, आपको अमेज़न का लिंक भी जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हो सकता है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो लिंक प्रोवाइड करवा दूँ, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं और डायरेक्टली हमसे बाय कर सकते हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं कि हमसे बाय करो, ताकि गलती से भी आपसे कोई गलती ना हो। लोगों को पता नहीं होता कि हाँ भी कौन से कंडीशनर से यूज़ करना है, सिरम कौन सा यूज़ करना है ताकि इसकी कोट कंडीशन अच्छी रहे, शैम्पू उसके साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और ये सब चीज़ें मान लो नेल्स काटने हैं या सीज़र कौन सी यूज़ करनी है ये नहीं पता होता। ब्रश जैसे मैंने आपको बताया कि स्लिकर यूज़ करना है, या इसके अलावा अगर कोई ऑल्टरनेटिव है तो
तो वो कौन सा यूज़ करना है। लोग खुद से ऑर्डर कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि यार बात नहीं बनी। फूड कौन सा ऑर्डर करना है, फूड कौन सा आपने देना है, किस टाइम पे कौन सा फूड देना है, ये सब चीज़ें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये फैसिलिटी फ्री में दी जाएगी कि हाँ भी एडवाइस का कोई वो नहीं है, आपने हमसे लेना चाहे कहीं से भी लेना वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये सब है जी, बहुत अच्छी बहुत प्यारी ब्रीड है और क्या बताऊँ, यानी कि रफ़ एंड टफ़ है, बीमार कम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनको, तो इसीलिए मेरे लासा ऐप्स को मुझे बहुत पसंद है। एग्जॉटिक कलर सबसे फर्स्ट टाइम आया है, देखिए एक बार फिर से, है ना, ब्यूटीफुल। ये जब बनेगा ना तो दुनिया देखेगी इसको कि हाँ भी चीज़ है। और एक और मज़े की बात मैं बताना चाहूँगा, जो इनके ओनर है उन्होंने किसी को दिखाया होगा, अपने किसी दोस्त रिश्तेदार को, तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी ये तो शिट्जू लग रहा है। तो उनका मेरे को कॉल आया, कहते ये शिट्जू है कि लासा है। मैं कहा मैम आगे पहले कभी ऐसा हुआ है? तो मैंने उनको यही आंसर दिया, मैं कहा मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि शिट्जू तो कॉस्टली ब्रीड है इससे लासा से, है ना, तो मैं आपको कम प्राइस में क्यों दूंगा, अगर शिट्जू है तो मैं इसको शिट्जू कह के दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, है ना, लासा है, लासा बोल के ही देना है, लासा ही है, ठीक है जी। तो जिन्होंने कमेंट किया था मुझे उम्मीद है कि उनको आंसर मिल गया होगा। और ये पिस्ती का बेटा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।